अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब। आवाज़ से तो मेरी अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि अभी अभी मैं सो के उठाऊँ। दिस इज़ आवर सेकंड डे और पहला सही से रेस्ट करने का टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। वी आर इन नारान और अब यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि अर्लीस्ट पॉसिबल 6:20 हम लोग निकलें हुंजा की तरफ, क्योंकि आज का पूरा दिन ट्रैवलिंग में गुजरेगा। तो जो बीच में स्पॉट्स आएंगे उनको कवर करते हुए आपको खूबसूरत कहानियाँ सुनाते हुए हम लोग लेके जाएंगे हुंजा। इट्स अ स्ट्रेट 7 to 8 hours ड्राइव, जो कि बीच में अगर हम रुकते हुए जाएंगे कुछ स्पॉट्स डेफिनेटली आएंगे। बाबूसर टॉप है, फिर चलास में तो खैर खास रुकने का वो नहीं है, माउंटेन्स वगैरह कुछ होंगे उनकी पिक्चर्स के लिए थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। गिलगित में शॉर्ट स्टे, चाय की ब्रेक एंड देन विल मूव स्ट्रेट अप टू हुंजा, वहाँ पर स्टे करेंगे। तो आज का दिन मोस्टली ट्रैवलिंग है, तो मिलते हैं आप लोग ट्रैवलिंग के साथ। लेट नाइट खाने का नतीजा कि हम लोग नाश्ते में सिर्फ चाय करेंगे, या तो पहले कुछ निकलेगा हम निकलेंगे या डायरेक्ट हम निकलेंगे। Let's go. Okay, so the camera is weather sealed but not insect sealed. इसके अंदर कीड़ा चला गया, ऐसे क्या ये नहीं मैं बता। इधर भी कहाँ से कैसे पड़ा है ये? क्या कहाँ से? पुराना ट्रैवल कर रहा है या तो किसी और कंट्री है, मर गया होता अभी तक। ये देखो अंदर है, ये कैसे गया है ब्रदर? बाहर आओ यार। राइट इन द मिडल ऑफ नोवेयर, इतने पहाड़ों के आगे हमें इस कीड़े ने मुसीबत डाली हुई। खैर ये हमारी पिक्चर्स में नहीं आ रहा, छोड़ो उसको यार, फिर ना तो ट्रैवल कर रहा है बिना टिकट के, ट्रैवल कर रहा है। अभी हम लोग लुलुसर लेक से थोड़ा सा पीछे, लेकिन ये कि हम उस एरिया में एंटर हो चुके हैं, इसको नेशनल पार्क कहेंगे। लुलुसर लेक अभी थोड़ी सी आगे, तो यहाँ पे एक मून रेस्टोरेंट आता है जिसकी एडवर्टाइजमेंट नारान से निकलते शुरू हो जाती है। लेकिन नारान से आने से पहले आप वहाँ से ब्रेड और बटर और जैम जरूर बाय कर लें, क्योंकि यहाँ पे बटर और जैम की प्राइसेस जो है ना वो कुछ ऐसी हैं। थोड़ी सी देंगे, एक चमची देंगे आप, 240 का आपको जैम मिलेगा। ये बोतल की प्राइस नहीं है, ये एक दो चमचियां मिलेंगी आपको, और बटर भी जो है वो आपको स्लाइस काट के देंगे। सो ये नारान से बाय कर, नहीं तो आप यहाँ हैरान हो जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है खाना जाया नहीं करें, इतना महंगा दोगे तो यकीन करो हम चाट के भी प्लेट खा जाएंगे, जाया नहीं करते। जर्मनी में इतना महंगा? 200 यूरो का, 200 रुपए मतलब 1 यूरो बनता है कह लो, आपको 1 यूरो का एक 200 ग्राम बटर का इतना मिलेगा। और रेस्टोरेंट में तो आपको कोई चार्ज नहीं करेगा बटर के लिए नॉर्मली। सो आफ्टर स्पेंडिंग लाइक यू मिनट्स, लाइक 15-20 मिनट, पता लगा कि चाय में भी अभी टाइम है और ब्रेड भी खत्म है। भाई अंडा चाय में डबो के तो खा नहीं सकते, तो वी आर चेंजिंग द प्लेस। तो पहले पूछ लो भाई क्या है, यानी क्योंकि दूसरी दफा एक्सपीरियंस हो चुका है, खाना खा के बैठे हुए हैं, चाय के लिए जी दूध नहीं है, गाय नहीं मान रही, क्या बात है भाई। सो आवर नेक्स्ट क्विक स्टॉप इज लुलुसर लेक, व्हिच इज भी काफी खाली है, थोड़ा ऊपर तक आ जाता होता है पानी, बट अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? परफेक्ट है, हाँ गुड। सो वी रीच्ड बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप का व्यू भी टॉप से ही अच्छा लगेगा, सो लेट्स स्विच टू द ड्रोन। पर वी लीव नारान, तो यहाँ पे ऑनवर्ड आगे सिग्नल नहीं मिलते हैं, तो एसकॉम की सिम जो है वो चलती है। नाउ इज द टाइम टू गेट माय एसकॉम काउंटर। सो दिस इज माय फर्स्ट एसकॉम सिम, नाउ आई कैन ऑफिशियली बाय नॉन पीटीए फोन्स एंड यूज देम ऑल ओवर पाकिस्तान। चिलास आने से पहले जब आप बाबूसर टॉप से उतरते हैं तो काफ़ी सारी उतराइयाँ उतरते हैं, तो बीच में कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे वो आपको ब्रेक्स ठंडी करने का कहते हैं और कहते हैं कि गाड़ी आराम से चलाएं। तो भी उन्होंने सेकंड टाइम हमें बताया, पहले हमें जब रोका था उससे थोड़ा सा पहले हमने ब्रेक्स को पानी डलवा के ठंडा किया था, तो अभी उन्होंने फिर कहा है तो अब हम जरा चाय ब्रेक करेंगे एंड आई थिंक खुद को भी ठंडा करेंगे, यहाँ पर नीचे जाएंगे। आई एम गोइंग लाइक लुक एट दीज माउंटेन्स। गाड़ी ठंडी करने के साथ साथ मैंने डिसाइड किया खुद भी ठंडे हो गए, कपड़े बदल आए, वाटर टू बी ठंडी, वाटर टू बी। सो नहाने के बाद, अब एक मुश्किल काम नहाने का तो मजा अपना था, कपड़े बदल लिए। खैर नेक्स्ट ऑफ
स्किप द पॉइंट ऑफ गिलगित, वहीं से हम लोगों ने डायरेक्ट हुंजा का इरादा किया हुआ था, तो हिम्मतें मौजूद थी। वी कंटिन्यूड आवर वे टू हुंजा और अभी 25 मिनट का रास्ता पड़ा है, 30 मिनट का एग्जैक्टली, एंड वी आर एट राकापोशी व्यू पॉइंट। We're heading straight to Hunza, लेकिन अब Hunza का एक और वहाँ पे होटल फेयर सुनने में आ रहा है कि बहुत महंगे हैं, और थोड़ा हमें सर्च करना पड़ेगा कि क्या हमें अच्छा होटल मुनासिब कीमत में मिलता है कि नहीं। ये भी एक टूर का फन है, बार्गेन करना ऐसे पॉइंट पे जहाँ आपको पता है कि वो सस्ता नहीं करेगा, बट स्टिल यू फाइट। तो देखते हैं, अभी हम फिलहाल चाय के साथ खुबानी खा रहे हैं, खुबानी है या चाय के साथ खुबानी डुबो के खा रहे हैं। जैक जोन्स, जैक एंड जोन्स। खैर, ये बड़ा फिट कॉम्बो है, लाइक इफ यू डिप इट, और नहीं, इट्स नॉट। दिस गाय इज हियर टू हेल्प अस विद द बेस्ट पैकेज एंड द गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। दिस पर्सन इज हियर टू एक्सपीरियंस ऑल द खाइयां, सफरिंग फ्रॉम द खाइयां, सफरिंग इन द सफरिंग, एंड दिस गाय इज विद जैक एंड जोन्स। दिस गाय इज ग्रुप लीडर, एंजॉयिंग, वेरी डिलीशियस। तो हम लोग अभी हुंजा पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे खाना शाना खाएंगे, खाना शाना खा के आज का दिन करेंगे खत्म। कल के दिन हम लोग कोशिश करेंगे चाइना बॉर्डर तक, जस्ट ट्राई टू गो। मिलते हैं आप लोगों को। सो दिस इज द बेड्स वी गॉट, द बेस्ट थिंग इज दैट वी हैव राकापोशी जगह पे। जस्ट एक मैसेज आप लोगों को देना था कि जब आप लोग नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं या हुंजा की तरफ जाते हैं, स्कर्दू की तरफ जाते हैं, तो आप नरान पे स्टॉप करते हैं। तो नरान में अगर आपका होटल का एक्सपीरियंस या वहाँ के लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ना रहे, तो प्लीज उस एक्सपीरियंस को आगे लेके कंटिन्यू ना करें, क्योंकि हुंजा में आके स्पेशली आपको बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी मिलती है। जो नरान है वो जरा मिक्स लोगों का इलाका है, वो आपको पता है साल में पूरा साल तो वैसे भी वो एक्टिव नहीं रहता, वो आधा साल बर्फ में रहता है, वहाँ कोई जिंदगी नहीं होती है, और आधा साल वहाँ पे लोग आते हैं पिंडी से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, और ऊपर हुंजा वगैरह इलाकों से भी कोई लोग नीचे जाते हैं। तो मतलब वहां पे आपको एक मिक्स एक्सपीरियंस मिल सकता है, तो किसी भी और जगह पे जाके उस एक्सपीरियंस की वजह से किसी और से नाराज ना हो। हुंजा पीपल आर रियली गुड। चाय की प्लेट में ना ये देख है और ये दूर से ऐसे लगा था ये बोला है चॉकलेट चिप बिस्किट साबुन है। God, please, no! No! जब आप हर चीज प्लान करें लेकिन अनसर्टेन चीज हो जाए और टायर पंक्चर हो जाए, तो क्या हो रहा है अभी? ये हमारा गलती नहीं, टायर को क्या हुआ है? ट्यूबलेस से उसको ट्यूब वाला कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये जुगाड़ यार, जर्मनी में कभी भी ना चले, पुलिस आके तेरे सिर के अंदर गोली मारेगी अगर कभी सोचा ही ऐसी चीज का। मैंने बताया ट्यूब में, ट्यूब डलने लगी टायर में, तो कहते हैं कि तो दोनों तरफ ट्यूब वाले डाल देते हैं। मैंने कहा नहीं, कहते हैं ये तो ट्यूबलेस, ट्यूबलेस था, अब नहीं, अब इसमें ट्यूब डले। हैवी जुगाड़। मैं नॉर्मली अगर आप ये बड़ा वाला टायर चेंज करें, आप एक साइड नहीं करते, दोनों साइड करते, क्योंकि नहीं तो वो हम एक साइड भी नहीं करते, हम उसमें ट्यूब डाल देते हैं, हम उसमें ट्यूब डाल देते हैं। काट के तो ऐसे नया पीस नहीं ना डालना, ये भी होता होगा। मैं थोड़ा फ्री टाइम है तो जॉब ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, तब तक मैं फ्यूल रिफिलिंग पे चला जाता हूं। मैं खिड़कियां साफ करूंगी क्या? 200 में पाकिस्तान तरक्की कर गया थोड़ा, आप 20 साल बाद आए हो और ये गंदा लगने लगा है। सर मेरा क्या रिएक्शन होगा? जर्मनी में मिलता है अल्कोहल फ्री, टाइम लग गया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्लान जो है पहले प्लान किया था चाइना बॉर्डर, देन वापसी आते आते सब चीजें अताबाद लेक, पशु ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और डिफरेंट जगहों से जहां जहां व्यू हमें अच्छे लगेंगे वहां देखते आएंगे। लेकिन चूंकि सुबह टायर वाला मामला हो गया, तो अब हम लोग चाइना बॉर्डर को स्किप कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू पशु ब्रिज, वहां से वापस आएंगे। तो अभी चाय भी लेते हैं। अताबाद लेक का पानी और फिल्टर लगाया हुआ है इन्होंने, ये पानी पीला है, ये पानी सारा गदला है, और आगे अताबाद का पानी जो है वो नीला है। तो उस पर गाना कौन सा आएगा आपको पता है? हुसैनी ब्रिज पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए हैं, और ये हुडी पहनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ठंड है, बहुत शदीद गर्मी है, बहुत धूप है, और अपने आप को बचाने के लिए मैंने ऊपर किया, सो फिंगर्स क्रॉस्ड नहीं हो सकते। लेट्स गो। गाड़ी पार्क करके अब यहाँ से एक सफर जा रहा है, किधर जा रहा है? नाली में गया ना तो सीधा जाऊंगा, ये नाली ब्लॉक करूंगा। ऐसे एरियाज में आके मुझे पता लगता है कि फिटनेस जो है वो एक यूजलेस वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, उसका कोई पर्पस है, वी रियली नीड टू फोकस ऑन दैट, अदरवाइज वो बहुत तंग करता है, वो है ना फिजिकली फिट, फैंटास्टिक। ऑल द वे डाउन नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जब भी आप लोग उस तरह के रस्ते पर ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो गाड़ी में चाहे वो पैदल है, उतरा ही है, प्रीटी मच सिंपल, आप उतरते जा रहे हैं स्लोली स्लो, याद रहे कि यहां से वापस जरूर आना है, और छतरी भी साथ जरूर रखे।
सूरज निकल रहा हुआ, मैंने आपको पहले कहा कि ये हुडी जो है ये सर्दी की वजह से नहीं है, ये गर्मी से बच यहाँ से बांधा है वो वहाँ से। मैं कहता हूँ कोई इतनी वॉक करता होगा हर कदम पे उसे अपनी जिंदगी नहीं याद आती होगी। खैर पंजाब पहुँचने का अच्छा तरीका, यहाँ से ऑल द वे जा सकते हो, एक दफा पानी में जाना है लेकिन जिंदा बचना मेन काम है। ब्रो व्हाट, वहाँ से नहीं गिरने की इजाजत तो यहाँ से गिरने लगे हो? ये बंद है। आप लोगों को ऊपर से ये भी ब्रिज जो है ये बंद क्यों हुआ है, लाइक इसी क्या रीजन है? मेंटेनेंस हो रही है कोई? जी सर, ये इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है, साल में एक दफा इसका मेंटेनेंस का काम होता है यहाँ पे, इस वजह से इस सिलसिले में तो अभी कुछ दिनों के लिए 6 से 7 दिन या 10 के बाद ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, टूरिस्ट के लिए इजी हुई है। ठीक, कोई ऐसा फोन नंबर वगैरह या कोई ऐसी जगह जहाँ से हम पता कर सके कि खुला कि नहीं? ये फेसबुक पेज से मुख्तलिफ हमारे अपडेट हो जाते हैं। जी जी, वहाँ पे हर टाइम अपडेट हो जाते हैं इस पर पेज पे, सारे से पहले चेक कर लें। जी जी, वहाँ पे आप चेक करके फिर आप मतलब हमारी तरह ना आए कॉन्टेक्ट करके पूछ के खुला है कि नहीं। भाई दुकान खुली है, पति की चलते हैं। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द ब्रिज फटी, ज्यादा आगे इसलिए जा रहा क्योंकि मेंटेनेंस का काम हो रहा है, सो एलिफेंट्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस। अरे बेबी एलिफेंट्स आर अलाउड? बेबी एलिफेंट्स देखो डर नहीं लग, लेकिन नीचे देख के लगता, ऊपर देखो तो नहीं लगता। ऊपर रब है, नीचे रब के पास जाने का रास्ता है, इसलिए माय ओनली मोटिवेशन इसी गाड़ी में एसी है और मैं जाके बैठ जाऊंगा। इस वक्त ऊपर से शदीद गर्म धूप पड़ रही है, लेकिन यहाँ से जो पानी की तरह हवा आ रही है वो एकदम ऐसे जैसे एसी की हवा हो, यानी कि हम एसी के रिमोट से चाहें तो कम नहीं कर सकते। ठंडा ग्लेशियर का पानी है, लेकिन ग्लेशियर नहीं दिख रहे और ठंड लग रही है। थोड़ी देर मेरे ख्याल से अगर यहाँ खड़े होंगे तो ठंड लगने लग जाएगी। पानी का टेम्परेरी फ्रिज है तो यहाँ से ये इसका कंप्रेसर है, ये पानी के लिए टेम्परेरी फ्रिज बनाया है उन्होंने, एंड आई थिंक इस ऑल एरिया में गर्मी है। पता है ये वो जगह है जहाँ से गुजरते हुए दिल करता है गाड़ी का दरवाजा खोले, थोड़ी सी हवा अंदर बंद करके दरवाजा बंद कर, क्योंकि आगे पीछे फुल गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे अब मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई है। लेक के ऊपर इन्होंने बोटिंग की प्लेस बनाई हुई है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अभी हम नीचे जा रहे हैं पता करने, बट अंदाजन ये छोटी वाली बोट है, ये तकरीबन 300 रुपए मिनट है और जिसमें ज्यादा लोग बैठ सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से ये वाली और ये वाली है, ये 2500 से 3000। सो वी आर गोइंग डाउन चेक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम इन बोट्स पे बैठेंगे क्योंकि एक का मजा करना है, लेकिन जेब का मजा तो नहीं करना, खाली हो जाएगी। सो यहाँ ड्रोन उड़ाते हुए एक चीज का बाहर ख्याल करें, ओपन एरिया, मुझे काफी टाइम शो हो रहा था ड्रोन पे, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसने काफी टाइम कट किया और मेरे तक पहुंचने से पहले शुक्र है रोड के सेंटर में नहीं और पानी के सेंटर में नहीं बल्कि ड्राई एरिया पे लैंड हो गया था। वी हैड टू फाइंड इट, लेकिन मिल गया। याक की खाल मिल गई, इसका मतलब इसका गोश्त भी मिल जाएगा। सबसे सस्ती 1 से 5 मिनट 1000 रुपए। सुपचपच हो गया पाकिस्तानी मोटर, वो उस पर जाना। So we have all these boats, लेकिन बहुत पैसे नहीं खर्चे, so we decided this one to just go in and enjoy a bit of view and we'll come back. Oh wow, life jacket important. सिर्फ जान बचाने के लिए दी है, बच जाएंगे कोई बात नहीं, लूज नहीं कर सकते। असल तो बाहर है भाई, इसलिए तुम्हें मुबारक के सामने बिठाया। बैलेंस है, जैसा कि थोड़ी सी गाइड भी है आप लोगों के हुंजा तक के टूर की, अभी हम वापसी आते हुए अहताबाद लेक के ऊपर रुके हैं और यहाँ पे हमने बोटिंग एरिया से एक बोट करवा ली है ताकि हम अपने टाइम को एंजॉय करें। टाइम के हिसाब से हमें लग रहा था कि जो जेट्स की है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए, बेकार से हम उसे एंजॉय नहीं कर सकेंगे, वो 1 से 5 मिनट के लिए 2000 या 1500 रुपये मिनिमम से स्टार्ट होती है। हमने ये करवाई है, 20 मिनट हम एंजॉय करेंगे एंड देन विल मूव टू करीमाबाद और वहाँ हल्दीत फोर्ट, हल्दीत फोर्ट देखेंगे और मे बी शूट। सही है, पी के देखो, पीने वाला फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी, ओह इंपॉर्टेंट है। आपने पैर अभी तक डाले अंदर? मेरे से तो 1 सेकंड भी नहीं रखे थे।
यहाँ से हम कह रहे हैं अहमदाबाद लेक को बाय बाय एंड वी आर मूविंग टू अल्टी टेंपल टी।